नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम जिस ऐप की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है थंबनेल मेकर। तो चलिए हम प्ले स्टोर में ले जाकर आपको दिखा देते हैं थंबनेल मेकर की बात कि हम किस थंबनेल मेकर की बात कर रहे हैं। ये रहा वो थंबनेल मेकर, हम इसी ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस ऐप के जो है सो इस ऐप से आप जो है सो मोबाइल पे थंबनेल बना सकते हैं। तो ये ऐप मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए अब हम आपको जो है सो इसको ओपन करके दिखा देते हैं। ये रहा वो थंबनेल मेकर। खुल जा भाई, इस ऐप को पता नहीं खुलने में क्यों टाइम लगता है। थंबनेल मेकर बड़ा ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक लास्ट थंबनेल बनाया था, ये तो इसी तरीके से बनाया था। चलिए हम आपको जो है सो दिखा देते हैं कि नया थंबनेल कैसे बनाना है। तो ये बना हुआ है थंबनेल, लेकिन अगर आपको क्रिएट न्यू करना है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट करना है अगर आपको इसी को जो है सो सेव करना है बाद के लिए, तो इसको ये ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर इसको आपको सेव करना है फाइल में तो सेव पे क्लिक करेंगे। क्लियर करना है तो ये क्लियर हो जाएगा, और सेलेक्ट करना है तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। एक्टिव स्नैप से पता नहीं क्या होता है, एक्टिव स्नैप क्या होता है पता नहीं, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। डीएक्टिवेट स्नैप हो गया। उसके बाद शेयर से तो आप शेयर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। एग्जिट से आप इस ऐप को एग्जिट करेंगे। एक्टिव स्नैप का पता नहीं, लेकिन बाकी का हम बता देते हैं। क्रिएट न्यू से हम अभी करेंगे क्रिएट न्यू। सर्च से जो है सो आप सर्च कर सकते हैं। जूम इन से जूम इन कर सकते हैं। जूम इन देखिए जूम इन हो रहा है। जूम आउट, जूम आउट से जूम आउट होगा, इससे रिसाइज होता है शायद। और सर्च से सर्च होता है, ये सर्च बटन है लेकिन सर्च नहीं हो रहा है, इसे क्लिक करने से ये खुल जाता है। और यहाँ पे इस बटन, ये लेयर का बटन है शायद मेरे ख्याल से, हाँ लेयर का बटन ही है। तो भी हम आपको कुछ बना के दिखाते हैं, जैसे कि ये बार बार ऐप ही खुल जाता है, ऐड खुल जाता है बार बार। हाँ तो जैसे दिखा देते हैं। यहाँ पे जाने से आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना हो, ABCD कुछ भी। तो जैसे कि हम ABCD कुछ भी ऐड कर दिए, ऐड हो जाएगा। उसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होता है, फ़ॉन्ट कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपको जो मर्जी है सेलेक्ट कर लेंगे। इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, क्रॉस करना है तो क्रॉस कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद इससे क्या होता है भाई, इससे एडिट होता है टेक्स्ट, और इससे नया टेक्स्ट आता है, इससे नया टेक्स्ट आता है और इससे एडिट होता है टेक्स्ट। उसके बाद एक सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है। इससे आपका जो है सो उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड अति होता है, मतलब सेलेक्ट होता है। और इससे जो है सो उसमें जो है सो बैकग्राउंड कितना, इससे कलर सेलेक्ट होता है, किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद ऐड फोटो से आप जो है सो किसी फ़ोटो को जो है सो ऐड कर सकते हैं इसमें। मतलब कहने का मतलब कि जो है सो पीछे जा, इससे आता है किसी भी लोगो से जो है सो इसमें आप जो है सो किसी भी तरीके का लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे थे। और गैलरी से जो है सो आप गैलरी, मतलब वही जो है सो आप फ़ोटोज की जगह जो है सो आप गैलरी से जो है सो, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए, ये तो ये जो है सो बेसिकली जो है सो उसी कलर का ये जो है आपका जो है सो ये टेक्स्ट हो जाएगा, उसी कलर का उसका बैकग्राउंड उसी तरीके से बन जाएगा। उस फ़ोटो में जो था, इसका बैकग्राउंड उस फ़ोटो के अंदर में जो था वही है। अगर आप इसको जूम इन करके देखेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा। और फिल्टर्स में जो है सो आप बहुत सारा फिल्टर्स कर सकते हैं, जैसे इसका कलर बदल सकते हैं, और क्लिक कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, और इससे उसका कितना करना है ये डिसाइड होता है, ये सब नहीं करना है अभी।
उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद जो है सो रोटेट करना है कि नहीं, ऊपर नीचे करना है कि नहीं, इससे गोल घुमाना है कि नहीं, 3D बनाना है कि नहीं, उसके बाद बड़ा करना है या छोटा करना है, उसके बाद इससे इसको फेड करना है या नहीं, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो इससे जो है सो डिस्टेंस बढ़ता है घटता है, और उसके बाद इससे जो है सो टेढ़ा होता है सीधा होता है, बीच में रहना चाहिए इसको, और इससे भी इससे गोल होता है। उसके बाद इसको ओके करने के बाद इससे जो है सो बेसिकली आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इससे, और इससे भी देख सकते हैं आप क्या होगा, इससे डार्कनेस और जो है सो इसका गहरापन जो है सो बढ़ता घटता है, इसकी अथी का मतलब चारों तरफ से जो आता है कहने का मतलब उसके शेड का। उसके नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद उसका जो है सो धुंधलापन, उसके शेड का धुंधलापन आएगा, और एक्स वाई से जो है सो इसका जो है सो एक्स वाई का डायरेक्शन बदलेगा, कहने का मतलब उस बॉक्स का साइज एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और इससे तो बेसिकली वही होता है उसके शेड का डायरेक्ट। उसके बाद हो गया टेक्स्ट एड हो गया, उसके बाद इससे जो होता है अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, इससे बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, जैसे इससे ये बैकग्राउंड हो गया, कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फ़ोटो लगा सकते हैं आप कोई भी नेट पे सर्च करके, फ़िलहाल दिखा नहीं रहा है, लोड नहीं ले रहा है अभी फ़िलहाल, नेट स्लो है शायद, पता नहीं, नेट तो स्लो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों लोड नहीं ले रहा है। या फिर आप इससे जो है सो गैलरी से कोई जो है सो फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, क्रॉप कर दिए, अब यही इसका बैकग्राउंड बन जाएगा, बैकग्राउंड बन गया, और उसके बाद गैलरी और फिल्टर से जो है सो बेसिकली वही बैकग्राउंड फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट करने से जो है सो उसका नेक्स्ट करने से जो है सो टेक्स्ट पे आ जाता है। उसके बाद कैमरा है यहाँ पे, इससे जो है सो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गैलरी से मैंने अगर ऐड करना चाहा तो, अगर इससे ऐड करना चाहा तो देखिए ऐड हो जाएगा, किसी पिक्चर को क्रॉप करके ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद वही बेसिकली बेसिक सा सेटिंग है, इससे बेसिकली पूरा का पूरा पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इससे बेसिकली क्रॉप करके और ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो रॉयल्टी फ्री पिक्चर है, मतलब कि नेट से आप पिक्चर जो है सो कॉपीराइट फ्री पिक्चर डाउनलोड कर पाएंगे। और नेक्स्ट है कि आइकन, आइकन आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा आइकन आ रहा है, किसी भी सेलेक्ट कर, जैसे ऐसे सेलेक्ट कर लिए तो ये आइकन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट उसका सेलेक्ट कलर सेलेक्ट करना है, बेसिकली वही सेटिंग है जो उस पहले था, और जब आइकन सेलेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका जो है सो डाउनलोड करना जीपीजी रेटस में जो है सो आप बेसिकली इसे ऐप को रेट करेंगे सीधे प्ले स्टोर में ले जाएगा, और नहीं तो रिमूव ऐड करना है तो ये रिमूव है मतलब जो है सो पैसा मतलब इस ऐप को ख़रीदने के लिए बोलेगा आपको, बेसिकली 65 रुपये का ऐप है। और ड्राफ्ट करेंगे तो जो है सो इस ऐप को आप बाद के लिए जो है सो सेव कर सकते हैं, और डाउनलोड करेंगे तो ये ऐसे बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा, जैसे हम वहाँ भी डाउनलोड कर रहे हैं, अब ये डाउनलोड हो गया, अब हम इस ऐप को एग्जिट करते हैं कर रहे हैं मतलब फ़िलहाल के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी में ये देखिए ये बन गया, हालांकि ये बढ़िया बनाए नहीं, लेकिन एग्ज़ाम्पल के लिए ये ले लीजिए, ये इसी तरीके का अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं पिक्चर एड करके टेक्स्ट एड करके। तो यही है बेसिकली आपका जो है सो ये ऐप, इसी तरीके से आप इस ऐप को यूज़ करते हैं, होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, और बेसिकली जो है सो बेसिक यही था, और बाकी आप खुद सीख सकते हैं अगर आप छेड़छाड़ करते जाएंगे तो खुद से। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।